तो चैनल वापस आ गया है, लेकिन उसके बाद भी आपको अभी कुछ काम करना है जो कि बहुत जरूरी है। क्या है वो काम, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सस्पेंशन के बाद आपको क्या करना है, और जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपको रिट्रीव करना है, वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आई बटन पे बताया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो प्रोसेस आपको 24 आवर्स के बाद ही अप्लाई करना है। अब चलते हैं, जब चैनल वापस आता है कब आएगा, कितने दिन में आएगा, और आगे का क्या प्रोसेस है, चैनल वापस आने के बाद कोई काम होता है कि नहीं, वो आज सारा इस वीडियो में देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और आगे का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो यूट्यूब का रिट्रीवल का प्रोसेस था वो 90 दिन के बाद हुआ है। 24 आवर्स के बाद जब मैंने अपील करी थी तो रिजेक्ट कर दी गई। तो आपकी भी अपील अगर 24 आवर्स के बाद रिजेक्ट हो जाती है तो आप ट्विटर पे फॉलो कराइएगा, अपने फ्रेंड से ट्वीट कराइएगा यूट्यूब इंडिया और यूट्यूब टीम के अकाउंट पर। लेकिन दोबारा से आप अपील मत करिएगा, बार बार अपील करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगी। उसके लिए आप थोड़ा वेट करिएगा कम से कम 90 दिन का। 90 दिन के बाद देखिए मैंने फिर से अपील करी थी, और ये टाइम आप देख सकते हैं 22 अप्रैल 9:30 बजे अपील करी थी, और 2 घंटे के अंदर अंदर ही देखिए मेरे चैनल को रीइनिशिएट कर दिया गया। यहाँ बताया गया दिस मीन्स योर अकाउंट इज वन अगेन एक्टिव। एक्टिव होने के बाद लेकिन अभी भी जो आगे का काम है उसके लिए ये वीडियो बनाई है। चलते हैं अकाउंट पे, और यहाँ अकाउंट पे आने के बाद देख सकते हैं चैनल एक्टिव हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ चैनल वायलेशन का ये एक अलर्ट आता रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये प्रोसेस आज इस वीडियो में पूरा हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है, और ये देख सकते हैं आप चैनल वायलेशन। तो ये एक अलर्ट आता रहेगा जो कि 90 दिनों तक कम से कम आता रहेगा आपके चैनल पे भी, जब वायलेशन के बाद आप अपने चैनल को रिट्रीव करके देखते हैं, और डैशबोर्ड में ये दिखता रहता है। यहाँ पे अभी आगे का प्रोसेस बाकी है, इससे पहले मैं आपको कंटेंट में जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी वीडियो थी जिसको मैंने बताया था और जिसको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन इस वीडियो को अगर आपको वापस चाहिए तो आपको यहाँ डैशबोर्ड में आना होगा, और यहाँ वायलेशन जो वार्निंग लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब भी आपका चैनल वापस आता है और आप जल्दी से अपने कंटेंट में देखते हो, देखते वही वाली वीडियो है जिस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आप डर के मारे या जल्दबाजी में इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। इस वीडियो को डिलीट करने का मतलब ये हुआ कि आपने 100% श्योर है YouTube की गाइडलाइन का वॉयलेशन किया है। अगर आपको श्योर है आपने इस तरह की ऐप या कुछ एक्सेस, या फिर जैसे यूक्रेन की लड़ाई चली है उसके बारे में कुछ आपने टिप्पणी करी है, तो इस तरह का अगर वॉयलेशन करा है तो ठीक है, डिलीट कर दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि आपके कंटेंट ने कोई वॉयलेशन नहीं किया है किसी भी यूट्यूब की गाइडलाइन का, तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को डिलीट नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन फिर से मिलता है डैशबोर्ड में, जब वापस आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि अगर आपके चैनल पे इस तरह का वायलेशन दोबारा हुआ तो वो फर्स्ट स्ट्राइक मारी जाएगी, और अभी ये वार्निंग है। दूसरी चीज़ ये देखिए, आप अगर दोबारा से स्ट्राइक होती है कम्युनिटी गाइडलाइन की, तो आप 1 हफ्ते तक ना कोई लाइव स्ट्रीम, ना पोस्ट, ना कोई अपलोड कर पाएंगे। इसी तरह से ये जो स्ट्राइक है, अगर दूसरी स्ट्राइक आएगी तो आप 2 हफ्ते के लिए बैन हो जाएंगे, अगर तीसरी स्ट्राइक आती है तो चैनल टर्मिनेट भी हो जाता है, और यहाँ तक 3 हफ्ते के लिए या फिर आपको कुछ भी अपलोड करने से लिए रोक लिया जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड स्ट्राइक के बाद ज़्यादातर कंडीशंस होती हैं कि टर्मिनेट कर दिया जाता है चैनल को। अब यहाँ पर देखिए लिखा है बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट टाइम योर अकाउंट इज अफेक्टेड। तो यहाँ बताया अकाउंट आपका अफेक्ट नहीं हुआ, यू आर ओनली वॉर्न्ड। तो यहाँ बता दिया गया कि आपको वार्निंग दी गई है, तो दिस वार्निंग रिमेन ऑन योर चैनल। तो ये चैनल पे रहेगी कुछ दिन तक, रहती है फिर हट जाती है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, देखिए जैसे ये मेरी वीडियो थी जिसकी वजह से वॉयलेशन हुआ था साइबर बुलिंग के तहत, ये कहा गया कि आपने फोटोशॉप में किसी भी कार्ड को एडिट करके दिखाया। तो यहाँ पे आप वार्निंग पे क्लिक करेंगे, रिव्यू ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने वॉयलेशन नहीं किया है तभी आप ये करेंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका वॉयलेशन ऐसा है जो हाई प्रायोरिटी पे है यूट्यूब की गाइडलाइन की, तो अपील करने से कोई फ़ायदा नहीं, रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई वॉयलेशन नहीं, तो यहाँ पर इस तरह से अपील करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें दी हैं वीडियो के बारे में, जो वीडियो था, वीडियो हैज़ बीन रिमूव्ड बताया जा रहा है, और यह लिखा है इन नेक्स्ट 2 स्टेप यू विल आस्क टू लुक योर कंटेंट एंड पॉलिसी। इफ़ यू लाइक टू अपील वी विल हैप्पी टू रिव्यू योर कंटेंट। तो दोबारा से वो रिव्यू करेंगे, और अगर लगता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं तो आपके जो वीडियो है वो भी वापस आ जाएगी, और जो ये वार्निंग दे रहे हैं ये भी हट जाएगी। तो उसके लिए बिगिन रिव्यू का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, जो भी आपकी वीडियो थी वो इस तरह से शो हो रही है। आप यहाँ पे उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, और अगर आपको चाहिए ये वीडियो फ्यूचर यूज़ के लिए तो आप इसको बड़ा करके यहाँ से क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आपकी जो वीडियो है वो वापस आपको मिल जाएगी, लेकिन आप अपलोड मत करिएगा क्योंकि उस पर पहले से वॉयलेशन हो चुकी। तो यहाँ जो मेरी वीडियो थी उसने यूट्यूब की गाइडलाइन का वॉयलेशन किया था, इस वजह से मैं दोबारा इसको रिव्यू में नहीं भेजूंगा, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है ये आपको जानना जरूरी है। आप वीडियो को डायरेक्टली डिलीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप दोबारा से यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है डू यू वॉन्ट टू अपील एंड हैव अस अ रिव्यू अगेन, आई डोंट वॉन्ट टू अपील और आई वॉन्ट टू अपील, रिमूविंग दिस वीडियो डजेंट मेक सेंस टू मी। अगर आपको लगता है कि आपको अपील करनी है तो आप यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग एल्स, अगर आपको कुछ और भी बताना है, हाँ अपील करनी है और कुछ शेयर करना है, तो यहाँ पे आप कमेंट जो है आपका जैसे लिख सकते हैं कि आपने जो भी वीडियो बताई वो फेक थी या फिर खाली ऐसे इंटरेस्टिंग पर्पस या एंटरटेनमेंट पर्पस थी या फिर उसका यूट्यूब की गाइडलाइन से कोई मतलब नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं, समझा सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी YouTube की वीडियो ने गाइडलाइन का वायलेशन किया है तो आप सिंपली आई डोंट वॉन्ट टू अपील के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। योर वीडियो वॉन्ट बी री इनिशिएटेड इफ़ यू चेंज योर माइंड लेटर, यू कैन स्टिल कम बैक टू अपील दिस डिसीजन। मोस्ट क्रिएटर हु गेट अ वार्निंग नेवर गेट अ स्ट्राइक, एंड अ गुड वे टू अवॉइड अनदर वायलेशन इज टू गेट नो योर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन। तो यहाँ बताया अगर आप अपील नहीं करना चाहते तो आपको फ्यूचर में भी मौका मिलेगा, अगर आपको लगता है हाँ वॉयलेशन नहीं कर तब भी आप अपील कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी गलती है क्योंकि मैंने एक आधार कार्ड दिखाया था, जेन्युइन था वो, इस वजह से मैं दोबारा अपील नहीं करूँगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया आई डोंट वॉन्ट टू अपील, यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। लेकिन आपकी वीडियो अगर जेन्युइन है, आपको लगता है कोई वॉयलेशन नहीं, तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर टीम यूट्यूब और सारा कंटेंट कि आपने किसी तरह का वॉयलेशन नहीं करा, आप कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब की अच्छे से जानते हैं, जो आपने दिखाया है वो फेक है या फिर इंटरटेनमेंट पर्पज़ से था और उससे किसी को हानि नहीं है, इतना लिख के और थैंक्स रिगार्ड लिख के अपने चैनल का नाम अपना नाम लिख के आप सेंड कर सकते हैं। रिव्यू होगी, अगर आपकी वीडियो जेन्युइन पाई गई तो आपको दोबारा से वो वीडियो लाइव कर दी जाएगी, लेकिन अगर नहीं पाई गई तो कुछ नहीं होना, बस ये जो आपकी अपील थी वो रिजेक्ट हो जाएगी, बाकी आपका चैनल चलने लग गया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ आई डोंट वॉन्ट टू अपील करेंगे क्योंकि वॉयलेशन हुआ है, और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह से पॉपअप आएगा कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर जो है सेकंड स्टैक नहीं पाते क्योंकि वो अलर्ट हो जाते हैं इस तरह के कंटेंट अपलोड करने के बाद, और कम्युनिटी गाइडलाइंस को और ज़्यादा जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर इस बॉक्स को डिसमिस कर सकते हैं। आपके सामने जो भी सारी गाइडलाइंस है जो वॉयलेट करती हैं यूट्यूब की पॉलिसीज़ को, वो सारी आ जाएंगे, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद आगे का कंटेंट अपलोड करें, और यहाँ से डिसमिस कर देंगे तो वापस से देखिए इस तरह की स्क्रीन आएगी, फिर से आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको ये स्क्रीन मिलेगी। तो सेम प्रोसेस होता है, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है मतलब आपको अपील नहीं करनी वो सबमिट हो चुकी है, तो इसलिए बार बार मत करिएगा क्योंकि ये स्क्रीन बार बार आएगी। देखिए फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे, फिर ये दो ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ सबमिट का बटन आ जाएगा, तो एक बार सबमिट कर दीजिएगा, बस हो गया। और अगर आपको लगता है आपने वॉयलेट ही करा है तो उसके बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ से बैक आ जाइए क्योंकि आपको अपील करनी नहीं है, तो यहाँ से लीव कर दीजिए, इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए और डायरेक्टली कंटेंट में आइए, और कंटेंट में आके फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास है, ये जो वीडियो है ये रिमूव कर ही दी गई है और वायलेशन भी हुआ है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट फॉर एवर कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम पे फ्यूचर पे आप याद रखिएगा कि इस तरह का कंटेंट आपको कभी अपलोड नहीं करना। तो ये वीडियो आपकी डिलीट हो गई, वापस से डैशबोर्ड में आएंगे, लेकिन यहाँ अभी भी चैनल वायलेशन का अलर्ट और वार्निंग है, ये कुछ दिन रहेगा, वेट करिएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, मिनिमम 90 डेज। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस था, अगर आपका कभी भी चैनल सस्पेंड होता है या टर्मिनेट होता है तो घबरा के तुरंत उस वीडियो को डिलीट ना करिएगा, पहले आप श्योर होइएगा कि आपने वॉयलेशन किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो आप अपील करिएगा दोबारा उस वीडियो के लिए, अगर करा है आपने तो फिर एक बार सबमिट कर दीजिएगा कि आई डोंट वॉन्ट टू अपील, और उसके बाद अपनी वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए इस तरह की यूट्यूब की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के।